A very healthy good morning to you all. Welcome to your online class of EVS. And I'm your EVS teacher. Children, as you all know that our chapter number 10 is going on and the chapter name is Hututu. And that is the name of Kabaddi. And now we are in page number 80 in chapter number 10. Today we will discuss the question answers which are given in page number 80. And I had already uploaded 2 videos previously and I hope that you all have seen and understood the videos concentrately. Now let's start the questions in page number 80. Next time when you play Kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arms. यस कह रहा है आपने जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया जब हम कबड्डी खेलते हैं तो हमारा फोकस प्लेयर की आँखों में लेग्स में आर्म्स में और आईज में भी प्रॉपरली होना चाहिए एंड यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन आईज लेग्स एंड आर्म्स और बिल्कुल क्लियर है कि हमारा अच्छे से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आँखों में हाथ में पैर में तभी हम जीत पाते हैं ना इन कबड्डी एंड नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज्ड टू गेट द एंटायर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो ये कह रहा है आपको एक पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक में इसे एज अ सेक्शन पेज भी आप बना सकते हैं जिसमें श्यामला सारी टीम के साथ बिल्कुल फाइट कर रही है मैनेज कर रही है अपने आप को बचाने के लिए और प्लेयर्स को आउट करने के लिए और ये पिक्चर आपको दी हुई है देखो जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना यहाँ पर भी देखो यहाँ पे 3 प्लेयर्स है ना श्यामला को दबा रहे हैं वो बिल्कुल ट्राई कर रही है लाइन को बचाने के लिए और यहाँ पर देखो कैसे टच कर रही है आपको आई थिंक ये वाला पिक्चर बनाना चाहिए इसमें कैसे मैनेज कर रही है वो ठीक है एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन टू आउट इन गेम्स व्हाट डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी ये कह रहा है आउट किसी गेम में आउट होने का मतलब क्या होता है कब होता है कोई प्लेयर आउट ठीक है देखिए इसका मतलब क्या है बींग आउट इन गेम्स मीन्स दैट द प्लेयर कैन नॉट मोर कंटिन्यू द गेम आउट होने का मतलब है जो प्लेयर आउट हो गया वो आगे अब गेम में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा अब नहीं खेल पाएगा ओके इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो खो यू गेट आउट व्हेन समवन टचेस यू You also get your turn by someone's touch. Name some games in which it is very important to touch the players. ये कह रहा है जैसे कि हम खो खो में जब किसी प्लेयर को टच करते हैं तो वो आउट हो जाता है ऐसे कौन से और गेम हैं जिनमें टच करने में आउट हो जाते हैं तो वो गेम्स हैं कबड्डी हाइड एंड सीक ब्लाइंड मैंस बफ एटेक्स्ट्रा ओके नाउ द नेक्स्ट वन कबड्डी इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन जब श्यामला ने टच कर दी थी लाइन तो सारी टीम आउट हो गई थी अब आपको बताना है व्हाट आर द अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कौन कौन से गेम होते हैं जिनमें जो सेंट्रल लाइन होती है फिक्स लाइन बनाई होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड द गेम्स नेम्स आर फुटबॉल हॉकी टग ऑफ वॉर दीज आर द गेम्स इन विच सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट वट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर्स यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स वो कौन कौन से गेम हैं जिनमें आपको किसी को चीज़ को टच करना होता है स्पेसिफिक कलर्स को टच करना होता है एंड द गेम्स आर खो खो एंड कलर रेस ओके बट चिल्ड्रन वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी गेम कोई भी गेम हो हमें बिल्कुल फेयर तरीके से खेलना चाहिए एंड गिव रिस्पेक्ट टू बोथ टीम वन योर टीम एंड द अपोजिट बोथ दोनों टीम को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए और डिसीजन फेयरली लेने चाहिए किसी भी गेम में ये बहुत ज़रूरी है ओके डू यू प्ले कबड्डी इज़ देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल क्या आपने कभी कबड्डी खेला है क्या आपके स्कूल में गर्ल्स कबड्डी टीम है आपको बताना है डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी
अपनी दादी माँ से पूछना है कि आप उन्होंने कभी कबड्डी खेली थी व्हेन दे वर योर एज, जब वो तुम्हारी एज की थी, आस्क देम, आपको पूछना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको बताया गया है। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन न्यूज़पेपर, क्या आपने कर्णम मल्लेश्वरी का नाम पहले सुना है? आई थिंक सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी आया था। कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर, ये क्या है? वेट लिफ्टिंग करती है, ठीक है, जो भार नहीं उठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेट लिफ्टर। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, कहाँ पे रहती हैं? आंध्र प्रदेश में। हर फादर इज़ अ पुलिस कॉन्स्टेबल, इनके फादर एक पुलिस कॉन्स्टेबल हैं। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन सी वॉज 12 years old, कर्णम मल्लेश्वरी ने 12 साल की उम्र से वेट उठाना स्टार्ट कर दिया था। नाउ सी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kilograms, और आज अब 130 kilograms तक वेट ही उठा सकती हैं। कर्णम हैज़ वॉन 29 medals इन इंटरनेशनल इवेंट्स, कर्णम मल्लेश्वरी इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 medals जीत चुकी हैं। हर फोर सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, उनकी जो फोर और बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग में प्रैक्टिस कर रही हैं, इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है। चिल्ड्रन, आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टूड द वीडियो कॉन्सेंट्रेटली, देन वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीक, ऑन फ्राइडे, टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।